आज बड़े की गोश्त का कोरमा बनाएंगे। इसको एकदम सिंपल और ट्रेडिशनल तरीके से बनाएंगे। इसको बनाना इतना आसान है कि कोई भी बना ले। आप भी इसको फर्स्ट टाइम में परफेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है। वीडियो को फुल देखिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। सर्दियाँ स्टार्ट होते ही यकीन मानिए मेरे यहाँ काफी हद तक इसकी डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि मेरे घर में ये सभी को बहुत पसंद है। इसके लिए 1 किलो बड़े का गोश्त लिया है। इसको मैंने धो लिया है, अब इसको साइड में रखेंगे। इसमें बघार के लिए 3 तेज पत्ते लिए हैं, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, करीब 6 से 7 लौंग हैं और 10 से 12 काली मिर्च हैं। ये आधी प्याज ली है। इसको देखिए इस तरीके से बारीक बारीक काट लेंगे। सालन बनाने के लिए कुकर लिया है। अब इस वाले चम्मच से नाप के इसमें 2 चम्मच ऑयल डालेंगे। गैस को ऑन कर देंगे। ऑयल भी देखिए गर्म हो गया है। अब इसमें बघार को डाल देंगे। अब प्याजों को फ्राई होने तक बघार को पका लेंगे। प्याजों को देखिए इस तरीके से फ्राई होने तक बघार को पका लेंगे। अब इसमें गोश्त को डाल देंगे। इसमें मसाले के लिए करीब 8 से 10 साबुत लाल मिर्च ली है, 1 मुट्ठी लहसुन लिया है, 1 टुकड़ा अदरक का लिया है, 2 प्याज ली है और 2 चम्मच साबुत धनिया लिया है। प्याज और अदरक को रफली कट कर लेंगे। धनिया को भी इसी में डाल देंगे। अब इनको जार में डालेंगे। जार में थोड़ा सा पानी डालेंगे और इनका पेस्ट बना लेंगे। इनको देखिए इतना बारीक पीस लेंगे। गोश्त की भी देखिए भुनाई हो गई है। अब इसमें पेस्ट को डाल देंगे। जार को खंगाल के इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। अब इसमें 250 ग्राम दही डालेंगे। इसमें टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें 1 चम्मच पिसी हुई हल्दी डालेंगे। अब इसके अच्छे से भुनाई करेंगे। इसको बीच बीच में चेक करते रहेंगे, जिससे क्या है सालन तले में चिपकेगा नहीं। इसकी भुनाई भी हो गई है। इसका देखिए कितना बढ़िया जालीदार मसाला बना है। अब इसमें जरूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। मैंने इसमें करीब 1 गिलास जितना पानी डाल दिया है। इसमें 1/2 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। अब इसको मिलाएंगे। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे। अब इसको अपने हिसाब से अच्छे से गलने तक पका लेंगे।
मैं इसमें करीब 4 से 5 सीटी आने तक इसको पकाऊंगी। कुकर की स्टीम को निकालेंगे नहीं, इसकी स्टीम को खुद ब खुद ही निकलने देंगे। इसको मैंने 4 सीटी आने तक पका लिया है और कुकर की स्टीम भी देखिए निकल गई है। अब गोश्त को चेक करेंगे। कोई भी एक रेशे वाली बोटी लेंगे। ये गोश्त भी देखिए गल गया है। इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। धनिया को काटने से पहले अच्छे से वॉश करेंगे। अब धनिया को इसमें मिक्स करेंगे। अब ये सालन बनकर रेडी है, इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखा आपने हमारा कितना बढ़िया सालन बना है। ये दिखने में जितना ज्यादा अच्छा लग रहा है, यकीन मानिए टेस्ट में उससे कई गुना ज्यादा अच्छा बना है। मेरे कहने पे आप भी इसको एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये जरूर पसंद आएगा। अगर आपको जरा भी मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आज मैं आपके साथ पाई की एकदम आसान रेसिपी शेयर करूंगी। इनको बिना मसाला पीसे बिना किसी भी तरीके की मेहनत के बनाएंगे। इनको बनाना इतना आसान है कि कोई भी बना ले। आप भी इनको फर्स्ट टाइम में परफेक्ट बना सकते हैं, और मैं आपको इस बात की भी गारंटी देती हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप हमेशा इसी रेसिपी से पाए बनाएंगे। यकीन मानिए इस तरीके से हमारा बहुत ही जबरदस्त सालन बनता है। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है। सालन बनाने के लिए कुकर लिया है, गैस को ऑन कर देंगे। इसमें 2 बड़े वाले चम्मच भर के सरसों का तेल डालेंगे। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। ये मैंने एक पाया लिया है, इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। ऑयल भी देखिए गर्म हो गया है। इसमें साबुत गरम मसाले डालेंगे। इसमें 1 बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। प्याजों को अच्छे से फ्राई होने तक बघार को पकाएंगे। प्याज देखिए फ्राई हो गई है। अब इसमें पाए को डाल देंगे। अब इनको हल्का सा चलाएंगे। इनमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। इनमें 2 चम्मच फूल भर के लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे। 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। इसमें 2 बारीक कटी हुई प्याज डालेंगे। 1 चम्मच पिसी हुई हल्दी है। इसमें 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया डालेंगे। इनमें 250 से 300 ग्राम दही डालेंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिलाएंगे। दो चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे। मिर्चों को मैं पहले डालना भूल गई थी, आप मसालों के साथ में ही मिर्चों को डाल लें। अब इनकी भुनाई करेंगे। ये पाए जितना भी पानी छोड़ेंगे, इनके पानी को अच्छे से सुखा लेंगे। इनका देखिए कितना बढ़िया कलर लग रहा है। ये देखा आपने, मैंने आपको पाए की कितनी आसान रेसिपी दी है। क्या आपने आज से पहले कभी भी इस तरीके से पाए बनाए हैं? अगर बनाए हैं तो मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर, और अगर नहीं बनाए हैं तो इनको एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ये जरूर पसंद आएंगे। एक टुकड़ा जायफल का लिया है, थोड़ी सी जावित्री ली है और 4 इलायची ली है। इनको बारीक कूट लेंगे। इनको देखिए इतना बारीक कूट लेंगे।
इनकी देखिए भुनाई भी हो गई है। अब इसमें जरूरत के हिसाब से पानी डालेंगे। मैं इसमें करीब 1.5 से 2 गिलास जितना पानी डाल दूंगी। अब हमने जो गरम मसाला पीसा है इसको भी इसी में डाल देंगे। इनको मिक्स करेंगे। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे। अब इनको अपने हिसाब से अच्छे से गलने तक पकाएंगे। इसको 25 मिनट पकाने के बाद गैस को बंद कर दिया था। कुकर की स्टीम भी देखिए निकल गई है। अब इनको चेक करेंगे। कोई भी एक बोटी लेंगे। ये पाए भी देखिए कितने अच्छे से गल गए हैं। देखिए इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। कुकर को देखिए इस तरीके से हिला देंगे जिससे क्या है धनिया इसमें मिक्स हो जाएगा। ये देखा आपने हमारा कितना बढ़िया सालन बना है। यकीन मानिए ये दिखने में जितना ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, टेस्ट में उससे कई गुना ज्यादा अच्छा बना है। आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिख करके बताइएगा जरूर। इसके लिए ये मैंने 1 किलो गोश्त लिया है। इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये 200 ग्राम प्याज ली है, 1 टुकड़ा अदरक का लिया है और 1 मुट्ठी लहसुन लिया है। प्याजों को इस तरीके से बारीक बारीक काट लेंगे और अदरक को कद्दूकस से घिस लेंगे। ये कुछ गरम मसाले लिए हैं जो कि इस तरीके से हैं। 3 तेज पत्ते हैं, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, आधा फूल है, करीब 8 लौंग हैं, 10 से 12 काली मिर्च हैं, 1 बड़ी इलायची ली है और 4 छोटी इलायची ली है। इनको कूट लिया है। अब ये 200 ग्राम ऑयल लिया है। ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसमें थोड़ी सी प्याज डाल देंगे। इसमें गरम मसाले को भी डाल देंगे। प्याजों को इस तरीके से लाल होने तक बघार को पकाएंगे। अब इसमें गोश्त को डाल देंगे। अब हाई फ्लेम पे गोश्त की भुनाई करेंगे। ये गोश्त जितना भी पानी छोड़ेगा इसके पानी को अच्छे से सुखा लेंगे। गोश्त की भी देखिए भुनाई हो गई है। अब इसमें लहसुन अदरक प्याज को डाल देंगे। अब हमें इसमें जितने भी मसाले डालने हैं अभी डाल देंगे। इसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे, 1 चम्मच पिसी हुई हल्दी है, इसमें 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया डालेंगे, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च है, इसमें 2 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1 चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला है। अब इसमें करीब 200 ग्राम दही डालेंगे। इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे। आप इसमें मिर्ची की और नमक की क्वांटिटी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसको ढक देंगे। अभी 2 मिनट इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको करीब 40 से 45 मिनट पकाएंगे और गोश्त को अच्छे से गला लेंगे। आप अपने हिसाब से गोश्त के अच्छे से गलने तक इसको पका लें। इस पे थोड़ा वजन रख देंगे जिससे क्या है इसकी स्टीम निकलेगी नहीं। इसको पकते हुए करीब 40 से 45 मिनट हो गए हैं। अब गोश्त को चेक करेंगे। कोई भी एक रेशे वाली बोटी लेंगे। इस पे थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे क्या है ये ठंडी हो जाएगी। गोश्त भी देखिए गल गया है।
अब इसमें एक ढक्कन केवड़ा वाटर डालेंगे। अगर आपको इसका फ्लेवर पसंद नहीं है तो स्किप कर सकते हो, लेकिन इससे क्या है सालन में बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आती है। अब इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, इसमें से ऑयल के अच्छे से रिलीज होने तक इसकी भुनाई करेंगे। इसकी देखिए भुनाई भी हो गई है। इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। अब इसमें ज़रूरत के हिसाब से पानी डालेंगे, मैं इसमें करीब आधा गिलास जितना पानी डालूंगी। इनको मिक्स करेंगे और इसको हाई फ्लेम पे करीब 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। इसको 2 से 3 मिनट पकाने के बाद गैस को बंद कर देंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे, धनिया को इसमें मिक्स करेंगे। अब इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखा आपने हमारा कितना बढ़िया सालन बना है, और यकीन मानिए ये टेस्ट में भी बहुत ही बढ़िया बना है। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए सबसे आसान रेसिपी लेकर आऊं, ना कोरमा ना स्टू। आज मैं आपके साथ बीफ की एकदम नई और सबसे आसान रेसिपी शेयर करूंगी। इसको बनाना इतना आसान है कि कोई भी बना ले, यकीन मानिए आप भी इसको फर्स्ट टाइम में परफेक्ट बना सकते हैं। तो चलिए फिर देख लेते हैं कि मैंने इसको कैसे बनाया है। वीडियो को फुल देखिएगा, इसके बिल्कुल भी मत करिएगा। इसके लिए ये मैंने 1 किलो गोश्त लिया है, गोश्त को अच्छे से वॉश करेंगे। अब ये 4 प्याज ली हैं, इनको देखिए इस तरीके से बारीक बारीक काट लेंगे। अगर प्याजों को वेट करेंगे तो लगभग 200 ग्राम है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ इस सालन को बनाना बहुत ही आसान है, यकीन मानिए आप भी इसको फर्स्ट टाइम में परफेक्ट बना सकते हैं, और ये बहुत ही मजे का बनता है। ये 2 टमाटर लिए हैं, इनको भी देखिए इस तरीके से रफली काट लेंगे। प्याज टमाटर को काटने से पहले अच्छे से वॉश करेंगे। अब इसमें 1 मुट्ठी लहसुन डालेंगे, अगर लहसुन का वेट करेंगे तो लगभग 20 ग्राम है। ये 1 टुकड़ा अदरक का लिया है, इसको भी कद्दूकस से घिस के इसी में डाल देंगे। ये थोड़े से साबुत गरम मसाले लिए हैं, इनको भी इसी में डाल देंगे। अब ये 300 ग्राम दही लिया है, ये मैंने खट्टा दही लिया है। ये कुछ मसाले लिए हैं जो कि इस तरीके से हैं, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 चम्मच पीली वाली मिर्च है, 1 चम्मच पिसी हुई हल्दी है, 2 चम्मच पिसा हुआ धनिया है, 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया है, 1 चम्मच गरम मसाला है और 1 चम्मच नमक है। अब करीब 200 ग्राम ऑयल लेंगे, ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेंगे। अब इसमें गोश्त को डाल देंगे। अब इसको हल्का सा चलाएंगे, इसकी भुनाई करने की जरूरत नहीं है, बस इसको हल्का सा चला देंगे। इसमें दही को भी डाल देंगे। अब इसमें मसालों को भी डाल देंगे। इसमें करीब 1 से 1.5 गिलास जितना पानी डाल देंगे। अब इन सभी को अच्छे से मिलाएंगे। अब इसको ढक देंगे। अभी 5 मिनट इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे, उसके बाद फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पे इसको करीब 40 से 45 मिनट पकाएंगे और गोश्त को अच्छे से गला लेंगे। आप अपने हिसाब से गोश्त के अच्छे से गलने तक इसको पका लें। इसको पकते हुए करीब 40 से 45 मिनट हो गए हैं। अब गोश्त को चेक करेंगे, गोश्त गला है या नहीं। कोई भी एक रेशे वाली बोटी लेंगे, इस पर हल्का सा पानी डालेंगे जिससे क्या है बोटी ठंडी हो जाएगी। ये गोश्त भी देखिए गल गया है। अब इसमें 1 ढक्कन केवड़ा वाटर डालेंगे, ये मैंने डाबर का केवड़ा वाटर लिया है। अगर आप इसमें एसेंस डाल रहे हैं तो करीब 2 बूंद डाल दें। इसमें केवड़ा वाटर डालने से क्या है सालन में बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आती है। अब मीडियम टू हाई फ्लेम पे इसके अच्छे से भुनाई करेंगे। इसकी देखिए भुनाई भी हो गई है, सालन का कलर भी देखिए कितना बढ़िया लग रहा है।
अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। आप इसमें पानी की क्वांटिटी अपनी ज़रूरत के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी इसको हल्का सा चलाएंगे। अब इसमें एक चम्मच साबुत धनिया डालेंगे। इसमें 4 से 5 हरी मिर्ची डालेंगे। हरी मिर्चियों को बीच में से काट लेंगे। अब इसमें करीब 4 से 5 ही साबुत लाल मिर्च डालेंगे। इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे। ये मेरा घर का पिसा हुआ गरम मसाला है, इसको मैं सभी चीज़ों में डालती हूँ। इसकी रेसिपी मैंने डाली हुई है, अगर आप चाहो तो चेक कर सकते हो। गैस को मैंने बंद कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। धनिया को काटने से पहले अच्छे से वॉश करेंगे। अब इसको हल्का सा चलाएंगे। ये देखा आपने हमारा कितना बढ़िया सालन बना है। यकीन मानिए ये दिखने में जितने ज़्यादा अच्छा लग रहा है, टेस्ट में उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा बना है। आप भी मेरी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगी। अगर ज़रा भी आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना नहीं भूलें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे क्या है मेरी सारी रेसिपीज आपको सबसे पहले देखने को मिलेंगी।